अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, वेनिसडे की इब्तिदा जो है बेगम बिरयानी यानी कि उम्मे मोहम्मद बेग बिरयानी बना रही हैं, अल्लाह आलम बिसवाब। इसको मामू बिरयानी बोलें, बेगम बिरयानी बोलें या भाभी बिरयानी बोलें। वेनिसडे, गुड मॉर्निंग गाइस, यू सी माय वेनिसडे व्लॉग स्टार्ट फॉर द बिरयानी। दोस्तों, प्याज फ्राई होगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा, फिर गोश्त जो है उसको फ्राई किया जाएगा। रेवड़ा बिरयानी बन रही है, यानी कि 2 किलो गोश्त है, तो 2 ही किलो चावल और 1 किलो आलू। तो ये अज्जा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और सुबह सुबह का वक्त है, उम्मे मोहम्मद इसकी कटिंग कर रही है जब तक हम काम के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, एक लहसुन और ये अदरक के टुकड़े हैं, उम्मे मोहम्मद जो है इसको ग्राइंड बना रही है। ये मसाला है, तो बिरयानी के सिर्फ ये मसाला नहीं है कि हल्दी है और पिसी मिर्च है, कुटी मिर्च है। इसके अंदर एक बम्बई बिरयानी मसाला, एक थैली, एक लजीजा बिरयानी। खालिद भाई के दोस्त हैं और हम हमेशा लजीजा इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 पैकेट होते हैं, एक एक पैकेट है। गोश्त को 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया जाएगा और फिर ये मसाला डाला जाएगा, ऊपर से लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जाएगा। तो आप भी इसी तरह से, और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो एक एक मसाला आपके लिए 2 किलो बिरयानी के लिए बहुत है। मैं मोहम्मद ने इसलिए 2 प्याज लिए, आप भी 2 प्याज लीजिएगा, बाकी दम पे लगाने के लिए। तली हुई प्याज का पैकेट हर इंडियन स्टोर में मिलता है। और जुनेद जमशेद वालों का है भाई, जुनेद जमशेद वाले तली हुई प्याज भी बेच रहे हैं ना। मैरिनेट कर दिया करें 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ना, और अपने काम वाम करते रहा करें। और प्याज भी ब्राउन हो रही है, उम्मे मोहम्मद इसी तरह करती हैं। तो मैंने वीडियो व्लॉग बनाने के लिए उनसे चम्मच लिया, प्याज उन्होंने काट दी थी, मैंने कहा मैं वीडियो बना दूँ। मंगल को जो है ना दाल चावल बने थे और आज वेनिसडे है, और ये फूड लाइन में इंशाल्लाह लोगों के मसाला लगे हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा टमाटर जो है ये इसके साथ डलेगा गोश्त का, जब ये पूरी प्याज हो जाएगी। बाकी ये टमाटर जो है दम में लगेगा और प्याज हमारी ब्राउन होगी, तो गोश्त को शामिल करते हैं। और दाल चावल जो है ये अभी बच्चे मांग रहे थे तो उनकी मामा ने निकाले हुए हैं। दिन के तकरीबन 2:58 हो गए। दोस्तों, आज वेनिसडे, मैं तो काम पर जा रहा हूँ, अपना लंच मैंने मांग लिया है और कुछ दोस्तों को भी दे दूंगा। और बाकी ये मसाला हमारा भुन रहा है काफ़ी अच्छी तरह, मेरा आ रहा होगा, तेल आ गया। दोस्तों, ये बेगम बिरयानी में आप देख लेंगे चावल बिल्कुल कच्चे जो हैं। फराख में आ जाओ, बेगम ने कोरमा में बनाया था, मैंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखो ना, ये बिल्कुल नया कंटेंट है, इससे पहले आपने ऐसी बिरयानी को दम लगाते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल कच्चे चावल हैं गाइस, ये बिल्कुल कच्चे चावल हैं, पानी में भुगोए इनको आधा घंटा हमने। उन्हें खोल के देखते हैं, इसको हम घुमाते रहे वक्त वक्त से। Air tight, no leaking. I put aluminium foil and look at the flame. I do the low flame now and 30 minutes. दोस्तों, हमने ज़्यादा कोई लाल नहीं किया, प्याज देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है, बस इसको कलर आया तो हमने इसमें हल्दी और क्रश रेड चिली पेपर, नमक डाल दिया, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन इसके अंदर हम 1 पैकेट लजीजा का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लजीजा अचार गोश्त मसाला, ये देखें 1 पैकेट इसके अंदर ये जाएगा। टमाटर हमारे ऑलरेडी कट गए,
ये देखें टमाटर, खावतीन की भी आवाज़ आ रही है। अब घर में गुलाब तो ऐसे ही बनेगा भाई, शोर तो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, ये देख रहे हैं अभी भिंडी नहीं डाल दी हमने, टमाटर है और ये मसाले, इनको हम भून लेंगे हल्का सा, फिर भिंडी डाल के इसको दम पे लगा देंगे, रेडी हो जाएगी, देख रहे हैं। और भिंडी जो है हमने फ्राई की भी लगानी है आइसक्रीम वाला, आपको जैसा बताया गया था वैसे ही आप बनाएं, इंशाल्लाह इतनी लजीज होगी कि लोग बोलेंगे कि यार कैसे बनाएंगे। ये फ्राई हो रही है भिंडी, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये क्विक फास्ट है क्योंकि मेहमान वेट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, से सुभान अल्लाह, गाइस लुक एट दिस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलास भाई, हाउ स्मेल हियर, टेल पीपल।